आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सनशाइन का डिजिटल मल्टीमीटर, जिसका मॉडल नंबर है DT905E। ये सनशाइन कंपनी का डिजिटल मीटर है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिजिटल मीटर है। इसमें सबसे पहले तो दो यूज़र मैनुअल है, एक इंग्लिश में दिया गया है। इसमें पूरे आपको अच्छे तरीके से, आपको अगर मल्टीमीटर के फंक्शन जानना है तो आप इजीली फंक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे लैंग्वेज में है, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में, क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड का मल्टीमीटर है। बाकी सनशाइन वाली कंपनी वालों ने काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है मोबाइल इंडस्ट्री में। आप इसकी बिल्डिंग भी देख सकते हैं, ये मल्टीमीटर की। इसके अंदर आप देख सकते हैं, पीछे आपको बैटरी का जगह दिया गया है, जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी डाली जाती है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जब भी यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी का बैटरी रहे, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग चलते रहे। इसके अलावा इसके अंदर दो प्रोब आते हैं, प्रोब भी देखेंगे तो आप मल्टीमीटर के काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और इसके टिप के आगे देखेंगे तो आप पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, जिससे आप मोबाइल के कंपोनेंट इजीली 1.2 अनदर पॉइंट अटैच करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल करता हूँ। ये बैटरी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पीछे इनके लिए बैटरी के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा एक स्टैंड टाइप में भी है, आप इजीली इसको आप खड़े कर सकते हैं यूज़ करने के टाइम पे, आप देख सकते हैं। और इसके साइड में हार्ड रबर टाइप में चीज़ दिया गया है, जिससे आपका ये मल्टीमीटर अगर गिरता भी है तो प्रोटेक्टिव रहेगा। मैं इसकी बैटरी रिप्लेस करता हूँ अभी। ये स्क्रू हटाने के बाद इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप इजीली इसके अंदर बैटरी का कनेक्शन दिया गया है। इसके अंदर आप बैटरी को इजीली रख के अटैच करके आप इसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वो फिक्स कर दिया है। मैं इसकी बैटरी को लगा के आपको दिखाता हूँ। मैंने बैटरी प्लेस कर दिया है, ये मैं अब इसके अंदर स्क्रू फिट कर देता हूँ। मैं इसका स्क्रू इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको मल्टीमीटर चालू करके दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर चालू होने के बाद इसका डिस्प्ले भी मैं दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल में लगता है, जैसे कि कैलकुलेटर के अंदर डिस्प्ले आता है उस तरीके के डिस्प्ले है। आपको ये रेगुलेटर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो मोबाइल फील्ड में ज़्यादातर बीप के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं अभी ये प्रोब को इंस्टॉल करता हूँ इसके सॉकेट में। मैंने प्रोब को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं जैसे ही चेक करूँगा, ज़्यादातर मोबाइल लाइन में मल्टीमीटर कनेक्टिविटी के लिए और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। मैं आपको कनेक्टिविटी टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब मैं जैसे ही मैं दोनों प्रोब को कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे से, तो आप देख सकते हैं यहाँ साउंड के साथ ये लाइट इंडिकेशन भी देता है और साउंड भी काफ़ी अच्छे है। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हमारी टीम ZX मलिक को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.zx-team.com। इस तरीके के प्रोडक्ट के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करो।